आयशा खान का एक बड़ा झूठ पकड़ा तो गया ही है। आप लोग तो सब चीजें जानना चाहते हैं, मेकर्स तो आप लोगों को वो चीजें दिखाते नहीं हैं, वो चीजें जो है बताते नहीं हैं जो आप जानना चाहते हैं, पर जो कहीं नहीं मिलता वो यहाँ मिलता है, इसीलिए तो आप लोग यहाँ पर आते हैं। जल्दी जल्दी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, और अगर मेरे व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो व्लॉग चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मुझे कुछ ट्वीट करना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल भी यहीं पर है। अभी रही बात आयशा खान की, आयशा खान जो है विक्की से बड़ी मस्ती मजाक कर रही है। विक्की का पूछना ये है कि क्या तू शो देख के आई है? आयशा का कहना ये है कि नहीं यार, मैं कुछ भी देख के नहीं आई। विक्की का कहना ये है कि यार अगर तू देख के आती तो बहुत मज़ा आता ना। तो फिर बोलती है कि क्या मालूम मैं देख के आई हूँ, पर मैं बोल रही हूँ कि मैं देख के नहीं आई है। पर विक्की बोल रहा नहीं, तेरे हाव भाव से नहीं लगता कि तू कुछ देख के आई है, तू मतलब कि ऐसे ही है, तू देख वेख के नहीं आई कुछ। पर अगर देखा जाए तो अब यही बात बहुत बड़ा झूठ है। मुनावर ने शो में क्या किया? हर वक्त तुम यही बात करते रहते हो, तुम वो नहीं हो जैसे तुम थे। तो शो देख के ही आई है ना, तभी तो पता चला, नहीं तो अदरवाइज तो इतने टाइम से शांति थी ना, तो शो देखने के बाद ही तो पता चला ना कि मुनावर ये कर रहा है। और मुनावर से माफ़ी मंगवाने के लिए आई है, शो देख के ही तो आई है ना। तो यहाँ पर बहुत बड़ा झूठ जो है वो आयशा खान बोल रही है। आयशा खान अपने ही बुने हुए जाल में फंसने वाली है, क्योंकि सबकी नजरें जो है आयशा खान के ऊपर ही है। आयशा खान कब क्या बोलती है, कब क्या चेंज कर देती है, ये सब चीजें मैं आप तक लगातार पहुंचाती रहूंगी। बस आप लोगों को अपना विजन क्लियर करना है, किसकी तरफ, आयशा की भी तरफ और मुनावर की भी तरफ। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।